तो फिर आज के इस वाले वीडियो में कौन सर्वाइव करने वाले हैं पूरे के पूरे 150 डेज, वो भी इस जनरल ओनली वर्ल्ड के अंदर। एंड इधर हमको विलेज तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, हमको बस मिलेगा बैम्बू जो कि इस पूरे वर्ल्ड में फैलाया हुआ है। एंड इन 150 डेज में हमारे कुछ चैलेंजेस भी होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ही मैसिव वाला बेस बनाना, फुल्ली एन्चेंटेड नेदरिट गार्नर बनाना, 3-4 टाइप के फार्म्स, मैसिव वाले बेस में एक प्यारा सा घर बनाना, वेदर को मार के फुल्ली अपग्रेडेड बीकन बनाना, काले कौवे की चटनी बना के इलाइट्रा को ऑब्टेन करना। पर ये सब जितना इजी लग रहा है उतना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब होने वाला है माइनक्राफ्ट हार्डकोर के अंदर। तो फिर पहले ही दिन हम स्पॉन हो जाते हैं जंगल वाले वादियों में। मेरे को तो आसपास बस जंगल ही दिख रहा था। एंड आज पता नहीं क्यों हम लोग पेड़ के ऊपर स्पॉन हुए थे, पर जो भी है हमने वुड कलेक्ट किया। वुड कलेक्ट करते करते हमने आधे पेड़ को खोखला कर डाला। उसके बाद हमने हमारे प्रो स्किल्स को दिखा के पेड़ से नीचे उतर गए। उतरते मैंने सबसे पहले एक पिकैक्स और एक एक्स बनाया। एंड मेरे को इधर से बहुत ही सारे मिलन दिखे, तो फिर मैंने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। एंड अभी हमको चाहिए थे जानवर, पर जानवर तो नहीं, मेरे को इधर जिंदल कैट जरूर मिल जाता है, जिसको कि मैं पीट के पानी के नीचे फेंक देता हूँ। चोरी मत कर। उसके बाद मेरे को दिखता है एक पैंडा, जिसको कि मैं मारने जा ही रहा था, पर उसका क्यूट सा फेस मुझे पसंद आता है, तो फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ। एंड अभी पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था। एंड मैं अभी कहीं पर तो जा रहा था, पर मैं कहाँ जा रहा था ये मुझे भी नहीं पता था। उसके बाद मैं एक गड्ढे के अंदर आ जाता हूँ और बना लेता हूँ एक स्टोन का पिकैक्स। उसके बाद मैं इधर से कोल भी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बना लेता हूँ एक स्टोन के टूल्स। एंड उसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद मेरे को इधर से मिलता है तोतला, तोता, जिसको कि मैं सीड खिलाता हूँ। शायद ये कुछ ज्यादा ही भूखा है। एंड फाइनली ये डीप हो जाता है, जिसको कि मैं अपने कंधे में बिठाता हूँ। एंड मेरे को बहुत मजा आ रहा था। कॉपर भी मिलते हैं, जिसको कि मैं दबा के कलेक्ट करता हूँ। एंड इसी के साथ रात हो जाता है। एंड इस रात के अंधेरे में मेरे को शीप मिल जाती है। उसके बाद मेरा तोतला भाई अदारी कैसे मर जाता है। एंड एक बिस्तर बना के सो जाता हूँ। और सुबह होते ही हमने तोतला भाई के नाम पे बहुत ही सारे सीड्स दान करे। एंड हमने बहुत ही सारे कोल माइन करे। एंड अपने बिग ब्रेन को यूज में लगा के हमने बहुत ही सारे आयरन माइन करे। एंड उसके बाद हमको मिल जाता है तोतला भाई नंबर 2, तो फिर मैं उसे भी पटा लेता हूँ, टीम कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ माइनिंग पे। एंड माइनिंग पे जाते जाते मेरे को एक रवीन मिल जाता है। एंड रवीन पे जाते ही मैं बना लेता हूँ एक फर्नेस और उसके अंदर आयरन स्मेल्ट करने के लिए डाल देता हूँ। और आयरन स्मेल्ट होते ही हमने उस आयरन से एक शील्ड बना लिया। एंड पता नहीं क्यों हमारा तोता भाई खुद को एंडर ड्रैगन समझ रहा था। उसके बाद मैंने 3 आयरन से पिकैक्स न बना के एक वाटर बकेट बना लिया। कितना ज्यादा समझदार हूँ मैं। एंड नीचे उतरते ही मेरे ऊपर हमला हो जाता है, पर इसी भी शायद से नहीं पता था हम माइनक्राफ्ट के गॉड है। उसके बाद मैं लग जाता हूँ मजदूरी पे। बहुत ही सारे आयरन माइन करने के बाद मेरे को इधर मिल जाता है एक माइनशाफ्ट। एंड उधर थोड़ी बहुत मारा पीटी होती है। एंड आयरन कलेक्ट करते करते हमको इधर से लिटरली डायमंड मिल जाता है। पर एक मिनट, हमारे पास तो आयरन का पिकैक्स ही नहीं है। और शायद से मेरी खुशी इन लोगों से देखा नहीं जा रहा था, तो भी मैंने भी आयरन स्पेंड करके डायमंड कलेक्ट कर लिए। एंड उसके अगले ही पल हमारा तोता भाई मर जाता है। एंड हम माई शॉप से एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 3 चेस्ट मिलते हैं, जिसके अंदर से गोल्डन एप्पल भी मिल गया था। एंड मैं माई शॉप के अंदर से रेल ड्रैग भी कलेक्ट कर रहा था। एंड इसके साथ मेरे को स्केलेटन स्पॉनर भी मिलता है, पर शायद से ये दोस्त अनजाने दुश्मन थे, तो फिर इसने इसके दोस्त को मारा और मैंने इसको मार दिया। लूट के नाम पे हमको मिलता है कचरा, तो फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ। अभी चल रहा था हमारा D8। एंड अभी हमको चाहिए था एक बेस, क्योंकि हमारा इन्वेंटरी का सामान कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो फिर मैं फटाफट से जगह साफ करने लग जाता हूँ। एंड मैंने इस जगह को साफ करके जैसे से ऐसा कर दिया, जो कि अभी काफी सुंदर दिख रहा था देखने में। अभी हमारे पास कुछ इतने सारे डेट हैं और इतने सारे मेलन। एंड हमारे पास तो अनलिमिटेड बैम्बू था। एंड ये रहा हमारा प्रोग्रेस। एंड अभी हमारे पास वुड भी अच्छा खासा आ गया था, तो फिर मैं फटाफट से एक डायमंड का पिकैक्स बनाता हूँ। एंड एक आयरन का फुल्ली आर्मर बना लेता हूँ। उसके बाद मैं मेरे बेस में बहुत ही सारे टॉर्चेस लगा देता हूँ। एंड उसके बाद सो जाता हूँ। यस, एंड सुबह होते ही पता नहीं क्यों हमारे बेस में इतने सारे एंडरमैन आ गए थे, पर जो भी है हमको क्या, हमको तो फ्री का एंडरफल मिल रहा है।
एडीसी के साथ हमारी वर्ल्ड में शुरू होती है पहली बारिश। तो फिर मैं बहुत ही सारे प्लान्स बना लेता हूँ क्योंकि हमको इस जगह पर हमारा बेस बनाना था। एडीसी के साथ मैं ब्लॉक प्लेस करने के लिए यूज कर रहा था एक यूजफुल मोड का, जिससे कि हमारा टाइम बहुत ही ज्यादा बच जाएगा। एंड इस मोड का यूज करके हमने पूरी एरिया में ब्लॉक प्लेस कर दिया था। उसके बाद मैंने बहुत ही सारे टॉर्चेस बना के हर एक जगह में टॉर्चेस फैला दिए। एंड बस ऊपर ही नहीं, मैंने मेरे बेस के नीचे भी टॉर्चेस प्लेस कर दिए थे। एंड अभी भी हमारे पास कोई भी अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड नहीं था। इसका मतलब था अभी हमको बनाना पड़ेगा एक खेत, जो कि बनाना बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। और इसी के साथ हमने हमारे खेत को बना के कम्प्लीट कर दिया था। इसको बनाने में लिटरली मेरी हवा टाइट हो गई। उसके बाद मैं मेरे खेत के आसपास वॉल लगा देता हूँ। एंड इसी के साथ अभी चल रहा था हमारा D30। एंड इसके बाद मैं मेरे बेस के नीचे वाले जगह पे जाता हूँ। एंड शायद से इस जगह का हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। एंड एक और बार शुरू हो जाती है हमारे बेस में भयंकर वाली बारिश। तो फिर मैं डर के मारे सो जाता हूँ। यस, सुबह होते ही पता नहीं क्यों मैं लीड लेके पांडा को पहनाने की कोशिश कर रहा था। एंड ये पहन नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको मौत की खाट उतार दी। एंड अभी हमको बनाना था एक माइंडी, क्योंकि हमारे पास आयरन की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। तो फिर मैं थोड़ी कैलकुलेशन करता हूँ और सोचता हूँ क्यों ना माइनिंग को इस जगह पर बनाया जाए। एंड मैं इतना ज्यादा गधा हूँ, पता नहीं क्यों मैं इस माइनिंग को इतना ज्यादा चौड़ा बना रहा था। तो फिर मेरे को इसको बनाने में सच में हालत टाइट होने वाली थी। और माइनिंग मैंने आधा भी कम्प्लीट नहीं किया कि मेरा एक डायमंड पिकैक्स टूट गया। तो फिर मैं बेस में डायमंड लेने जाता हूँ। एंड बेस में आके देखता हूँ कि इधर तो ट्रेडर भाई आया है। अरे भाई साहब क्या हाल है। एंड ये गुलाबी पत्ते दे रहा था, तो फिर मैंने एक एंडिल बनाया। एंड एक नेम टेक्निकल के हमने उसका नाम रखा कमलेश। एंड हमने ट्रेडर भाई के लामा को पीट दिया। एंड ट्रेडर भाई का नामकरण कर दिया कमलेश। एंड ट्रेडर भाई के लिए एक बहुत ही प्यारा सा घर बना दिया। एंड फाइनली मैंने बनाया एक डायमंड का पिकैक्स। एंड फिर से आ जाता हूँ मैं मजदूरी करने। मेरे को ना कभी कभी लगता है मेरे को मेरा चैनल का नाम चेंज करके स्लिटिकल से स्लिटिकल मजदूर कर देना चाहिए, वही बेस्ट होगा। इसी के साथ मेरा माइंड फाइनली कम्प्लीट हो जाता है। एंड मेरे पास कुछ इतने सारे डायमंड थे, मतलब बहुत ही ज्यादा डायमंड थे। एंड आयरन भी हमारे पास अच्छे खासे आ गए थे। और बाकी मेरे ऊपर वाले चेस्ट में कोल रखे थे और बहुत ही सारे फर्नेस बनाए। एंड उसको सरफेस में प्लेस करके मैंने उधर कोल्ड और आयरन को स्मेल्ट होने रख दिया और ऊपर आ गया। पर ऊपर आके मैंने देखा मेरे सारे वीट ग्रो हो चुके थे, तो फिर मैं उनको तोड़ने में लग जाता हूँ। एंड फाइनली मैंने इन लोगों को रिप्लेस तो कर दिया था, जैसे कि मेरे को बहुत ही सारे ब्रेड मिल गए। और पता नहीं क्यों मैंने कुछ हेबल बना के अपने बेस में कुछ ऐसे रख दिया। एंड अभी टाइम था डायमंड कार्मा बनाने का। यस, एडीसी के साथ हम लोग फुल्ली गियर्ड अप हो चुके थे डायमंड के आर्मर में। मेरे को मानो मजा ही आ गया था। उसके बाद मेरे को याद आता है कमलेश का, पर शायद से कमलेश भाई हमारे प्रिजन को एस्केप कर लिए थे। साला अगली बार ये कमलेश मिलाना मैं इसे सीधा ठोकने वाला हूँ। एंड अभी हमको बनाना था एक मॉब फार्म, क्योंकि बिना मॉब फार्म के मेरे को एक्सपी भी नहीं मिलेगा और विलेजर भी नहीं मिलेगा। एंड मैं मॉब फार्म बनाने वाला था लाइट मेडिका मोड को यूज करके, जिससे कि मेरा एक घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा। एंड मेरे को कुछ इतने सारे चीजें लगेंगे इस मॉब फार्म को बिल्ड करने के लिए, और चिंता मत करो ये बहुत ही ज्यादा कम चीजें हैं। उसके बाद मैं माइनिंग से बहुत ही ज्यादा कोबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मैं सारी चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ। और फाइनली मैं बनाने लग जाता हूँ हमारा एक्सपी फार्म।
के साथ हमारा एक्सपी फार्म बनके रेडी हो चुका था, पर इसमें एक दिक्कत थी। हमको इधर मॉब स्पॉन करवाने के लिए ऊपर लिफ्ट के करना पड़ता है, पर जो भी है काम चल जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ी मॉब की कुटाई करता हूँ और अपने प्रो स्किल्स को दिखा के नीचे उतर जाता हूँ, और नीचे उतरते ही मैं निकल जाता हूँ शुगर केन फार्म की खोज में, जो कि मेरे को पास में मिल गया था। मैं अपने बेस में लगा देता हूँ और इसी के साथ अभी चल रहा था डे 50। एंड एक और बार हमारे बेस में शुरू हो जाती है बारिश, तो फिर मैं कुछ स्टेयर्स बनाता हूँ क्योंकि मेरे को इस प्लेटफॉर्म को और भी ऊंचा करना था, और उसके बाद सो जाता हूँ। एंड सुबह होते ही हम लोग मजदूरी में लग जाते हैं। एडीसी के साथ हमारा प्लेटफॉर्म बनके रेडी हो चुका था। एडीए वाला प्लेटफॉर्म कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रहा था। एडीस के बाद अभी हमको बनाना था एक शुगर केन फार्म, जिसके लिए कुछ ज्यादा ही चीजें चाहिए। एडीस को बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए सैंड, तो फिर मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ। इसी के साथ हमने कलेक्ट कर लिए थे 4 स्टैक सैंड। एंड घर में आने के बाद हमने सैंड को स्मेल्ट होने के लिए डाल दिया। एंड अभी हमको बनाना था 55 ऑब्जर्वर, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की, पर एक मिनट, इसमें तो नेदर पोर्ट चाहिए। इसका मतलब अभी हमको नेदर में जाना था, तो फिर मैं माइनिंग में आके बहुत ही सारे ऑब्जीडियन माइन करने लग जाता हूँ। एडीसी के साथ हमने टोटल 20 ऑब्जीडियन माइन कर लिए थे। एडीसी के बाद मैं घर में आ जाता हूँ और सो जाता हूँ। Yes, सुबह होती मैं फ्लिंट कलेक्ट करने के काम में लग जाता हूँ, जो कि हमको इजीली मिल जाता है, तो फिर मैं फटाफट से एक फ्लिंट एंड स्टील बना लेता हूँ। एंड एक और बार हमारे बेस में शुरू हो चुकी थी एक खतरनाक बारिश, तो फिर मैं डन के बारे सो जाता हूँ। एंड अभी चल रहा था हमारा डे 50 ही, तो फिर मैं फटाफट से एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ, पर ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था, पर काम हमारा चल जाएगा। तो फिर मैं फटाफट से चला जाता हूँ नेदर में। एंड हम स्पॉन हो गए थे सबसे गंदे वाले बायोम में, पर काम हमारा चल, तो फिर मैं एक ब्रिज बनाता हूँ और चुपचाप से सारे क्वार्ट्ज कलेक्ट कर लेता हूँ। और हमने इधर से टोटल 1 स्टैक क्वार्ट्ज कलेक्ट कर लिए थे, जिससे कि मैंने फाइनली 55 ऑब्जर्वर बना लिए। एंड अभी हमको बनाना था पिस्टन, पर चिंता मत करो, इसका रेसिपी बहुत ज्यादा इजी है, तो फिर मैंने इसको बना लिया और सो गया। सुबह होते ही हमने ग्लास निकाले और बहुत ही सारे शुगर केन कलेक्ट किए और हमारे शुगर केन फार्म को बनाने के काम में लग गया। एडीसी के साथ हमारा शुगर केन फार्म बनके रेडी हो चुका था, जो कि 3x वन शुगर केन फार्म है, जिसके अंदर 3x स्पीड से शुगर केन कलेक्ट होंगे। उसके बाद मैं मॉब फार्म में एक्सपी कलेक्ट करने जा रहा था, और मेरे को दिखता है हमारे मॉब फार्म में एक विलेजर भाई आए थे। एंड मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा था, पर एक पिग ज़ॉम्बी आ जा रहा था, तो फिर मैंने ऊपर वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। एंड फाइनली इस ज़ॉम्बी विलेजर को बोट में बिठा लिया। जैसे ही रात हो गया, हम इस ज़ॉम्बी विलेजर को बिठा के नीचे ले आ गए। एंड इसके लिए एक छत भी बना दिया, ताकि ये जल ना जाए सुबह होते ही। एंड सो गया। उसके बाद हमने हमारे पुराने बो को कंबाइन करके एक बहुत ही खतरनाक वाला बो बना लिया। एंड देन मैंने देखा हमारे सारे वीट ग्रो हो चुके थे, पर यू गाइस नो मैं कितना ज्यादा आलसी हूँ, तो फिर मैं बिना वीट कलेक्ट किए शीप ढूंढने के लिए चले जाते हैं। एंड मेरे को एक नहीं बल्कि दो दो शीप मिल चुके थे, तो फिर मैं दोनों की पकड़ के बेस में ले आता हूँ। एंड उन लोगों के लिए एक प्यारा सा बांध बना देता हूँ, उनको जेल के अंदर बांध के अंदर ले आता हूँ। एंड एक और बार हमारे इस वर्ल्ड के अंदर शुरू हो चुकी थी भयंकर वाली बारिश। एंड इस बार तो मैं डंडे मारे सो भी नहीं पा रहा था, तो फिर मैं इधर लैंटर्न की रेसिपी देखता हूँ। एंड बहुत ही सारे लैंटर्न क्राफ्ट कर लेता हूँ, पर इतने काफी नहीं थे, तो फिर मैं माइनिंग में जाता हूँ। एंड बहुत ही सारे आयरन ले आके टोटल 50 लैंटर्न बना लेता हूँ। एंड मैं टॉर्च की जगह पे ये लैंटर्न लगा रहा था,
डॉट मुझे बहुत गंदा दिखता है एंड उसके बाद मैं सो जाता हूँ एंड सुबह होते ही हम लोग हमारे वीट फार्म में भी लैंटर्न लगाते हैं एंड वीट तोड़ने लग जाती है एंड हम लोग वीट तोड़ तो लेते हैं पर अभी भी हमको इनको लगाना था एंड फाइनली मैंने वीट भी लगा लिया है। उसके बाद मैं वापस सो जाता हूँ एंड भेड़ को खाना खिलाते खिलाते पता नहीं ये झोपड़ी का बच्चा कहाँ से आ जाता है तो फिर मैं इसको एंड उसके बाद मैं निकल जाता हूँ गाय ढूंढने के लिए क्योंकि बस शिप से काम नहीं बनने वाला है हमको लेदर भी चाहिए एंड अभी मेरे को एक नहीं तो नहीं बल्कि तीन तीन गाय मिल गए एंड इनको रस्सी से बांधता हूँ पर एक गाय गड्ढे के अंदर गिर जाता है एंड अचानक से वो स्पाइडर मैन बन जाता है। उसके बाद मैंने उन दोनों को पकड़ के घर में ले आया और सो गया एंड इसके बाद उन लोगों के लिए भी जेल आई मीन बांध बनाया और उनको पीटा भी क्योंकि वो लेदर चाहिए था। उसके बाद शुगर किन फॉप से शुगर किन उठा के हमने एक एंजॉयमेंट टेबल क्राफ्ट कर लिया एंड मेरे को अचानक से दिखता है हमारे बेस के नीचे एक ज़ॉम्बी विलेजर आया है तो फिर मैं उसे बोर्ड में कैद कर लेता हूँ एंड अभी हमको चाहिए थे नेदर वर्ड्स क्योंकि वो ज़ॉम्बी को क्योर भी करना था एंड फोर्ट्रेस मेरे को पास में मिल जाता है तो फिर मैं उधर से थोड़ी बहुत मारा पीटी करता हूँ एंड उसके बाद फाइनली मैं नेदर वर्ड्स चुराता हूँ एंड उसके बाद हम आ जाते हैं नेदर पोर्टल के पास। पर एक मिनट हमने तो सोसाइटी कलेक्ट नहीं किया है कोई दिक्कत की बात नहीं यार सोल सैंड भी पास में मिल गया मेरे को एंड उसके बाद मैं बेस में आ जाता हूँ। बेस में आने के बाद हमने थोड़े बहुत सोल सैंड लगा के उसके ऊपर नेदर वर्ड्स लगा दिए एंड हमने बनाया एक ब्रूइंग स्टैंड। उसके बाद तीन बोतल पानी कलेक्ट करके हम पोशन बनाने के काम में लग गए एंड पता नहीं हमने किस पोशन के अंदर नेदर वर्ड डाला। उसके बाद मैंने एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाया एंड स्पाइडर आई से पता नहीं मैं कौन सा पोशन बनाने की कोशिश कर रहा था। हाँ मैं माइनक्राफ्ट 2 साल से खेल रहा हूँ एंड मेरे को ये नहीं पता वीकनेस का पोशन कैसे बनाते हैं तो फिर गूगल देखने के बाद फाइनली हमने वीकनेस का पोशन बना लिया था एंड उसके बाद हमने पहले ज़ॉम्बी को क्योर किया उसके बाद अगले को एंड अभी हमारी गाय की संख्या भी बढ़ चुकी थी। सोते सोते ही हमको मैसेज आता है ज़ॉम्बी डॉक्टर की इसका मतलब था हमारा ज़ॉम्बी क्योर हो चुका है एंड उसके बाद मैं फिर से बहुत ही ज्यादा गाय पीटता हूँ क्योंकि इस बार हमको बहुत ही ज्यादा लेदर चाहिए और इसी के साथ मैं कलेक्ट कर लेता हूँ पूरा का पूरा एक स्टैक लेदर एंड हमने शीप को भी शेयर किया एंड इसी के साथ हमने बहुत ही सारे बुक्शेल्स बना दिए और कुछ खाने को भी पकने के लिए डाल दिया। एंड अभी मैं आ जाता हूँ एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिसके ऊपर हम लोग एंजॉयमेंट सेटअप बनाने वाले थे। इसी के साथ हमारा प्लेटफॉर्म बनके रेडी हो चुका था एंड इसके ऊपर अभी हमको बनाना पड़ेगा एंजॉयमेंट सेटअप। एडीसी के साथ हमारा एंचेंटमेंट सेटअप भी बनके रेडी हो चुका था जो कि काफी सुंदर दिख रहा था देखने में। एंड तभी मैं मेरे बेस के नीचे आता हूँ एंड आके देखता हूँ इस सारे ज़ॉम्बी ने मेरे विलेजर को फिर से ज़ॉम्बी बना दिया था। तो फिर मेरे को एक और बार उसे क्योर करना पड़ता है। उसके बाद मैं मेरे माइनिंग में आके थोड़े बहुत लैपिस उठाता हूँ और हम हमारे टूल्स में बेसिक एंचेंटमेंट कर लेती है। पर हमारा एक भी खत्म हो जाता है तो फिर मैं एक और बार नीचे जाता हूँ एंड जाके फिर से देखता हूँ हमारा ज़ॉम्बी ये एक और बार ज़ॉम्बी बन चुका है। एंड इस बार तो मैंने इसके लिए घर भी बना दिया था एंड उसके बाद मैं थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट करता हूँ एंड अपने आर्मर को भी एंचेंटमेंट कर देता हूँ। एंड इसी के साथ हमारा डायमंड आर्मर फुल्ली एंचेंटेड हो चुका था। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत नेदर वर्ड्स की हार्वेस्टिंग करता हूँ और हमारे नेदर पोर्टल को तोड़ देता हूँ क्योंकि हमको एक बहुत ही खतरनाक वाला नेदर पोर्टल बनाना था। तो फिर मैं इधर डीप स्लेट से बहुत ही अजीब अजीब तरीके के ब्लॉक्स बना लेता हूँ और अभी चल रहा था हमारा डे 79 एंड हमने हमारा प्लेटफॉर्म भी बना लिया था। अगर मैं आपको इस प्लेटफॉर्म का रिप्ले दिखाऊंगा तो फिर आप लोग जरूर बोर हो जाओगे इसलिए मैंने नहीं दिखाया। उसके बाद मैं सो जाता हूँ एंड सुबह होते ही हमको दिखता है हमारे बेस में एक ट्रेडर भाई आया है तो फिर मैं उसके लामा को पीट देता हूँ। उसके बाद मैं मेरे विलेजर के पास से थोड़े बहुत एमरल्ड ट्रेड करता हूँ और बहुत सारे एमरल्ड लेके हम ट्रेडर भाई से गुलाबी पत्ते बाय कर लिए और उन गुलाबी पत्ते को हमने एंट्रेंस में लगा दिया। एंड इसी के साथ अभी चला था हमारा डे 89। पर इन 10 दिनों में मैंने क्या किया वैसे तो मेरे कुछ भी नहीं कहा मजाक कर रहा हूँ। मैंने इस 10 दिनों में इस पूरे एरिया को क्लियर किया था एंड अभी मेरे पास लिटरली वुड की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो फिर अभी मुझे एक मैसेज का नेदर पोर्टल बनाना है जिसके लिए ऑब्वियसली ऑब्जीडियन चाहिए एंड बस ऑब्जीडियन ही नहीं हमें इधर सिस्टम के लिए पत्थर भी कलेक्ट कर दिया। Tum 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 t
लिटरली मैंने इतने सारे पीले पत्थर कलेक्ट कर लिए थे एंड अभी टाइम था एक मैसिव नेदर पोर्टल बनाने का। इसी के साथ हमारा नेदर पोर्टल एकदम बनके रेडी हो चुका है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है यार। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत और नेदर वर्ल्ड की हार्वेस्टिंग करता हूँ एंड उसके बाद मैं चला जाता हूँ नेदर में क्योंकि हमको डेब्रिस चाहिए था। मेरे टूल डैमेज हो रखे थे तो फिर मैं बेस में आ जाता हूँ और बेस में आके मैं मेरे टूल्स को रिपेयर करता हूँ और बहुत ही सारे बेड्स बनाता हूँ और वापस आ जाता हूँ नेदर पोर्टल में। और नेदर में आके हमने बेड फोड़ा, एक और बेड फोड़ा, पर हमको कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैं बेस्टन में आ जाता हूँ और उधर से मेरे को मिलता है डायमंड का पिकैक्स और उधर से मैं गोल्ड ब्लॉक भी चुराता हूँ और हमको मिल जाता है सिल टच का पिकैक्स। एंड बस इससे काम नहीं होने वाला था तो फिर हम अलग बेस्टन में आ गए एंड बैन पिगलियन रूट को भी बहुत ही गंदी तरीके से पीटता हूँ और मेरे को मेन वाले चेस्ट से तो भाई साहब एक एंडगेट मिल जाता है और गोल्ड ब्लॉक तो अलग ही है। उसके बाद मैं खड़ा एंड ये था हमारा लूट। उसके बाद मैं मेरे पिकैक्स को अपग्रेड करता हूँ और बहुत ही सारे ब्रेड क्राफ्ट करता हूँ और वापस से आ जाता हूँ नेदर में। एंड ये क्या है, हमको तो माइन करते करते डेब्रिस मिल गया है, शायद से हमारा स्टार्टिंग कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया है। एंड इधर मैं मरते मरते बचता हूँ क्योंकि मेरा हाफ फट था एंड लग कर ही रहा था हमको बेड फोड़ के कुछ भी मिलने वाला है। तो फिर मैंने मेरी पुरानी टेक्निक आजमाई एंड मेरे को लिटरली फिर से डेब्रिस मिल गया। ऐसे ही माइंड करते करते हमारे पास इधर टोटल आ चुका था 29 डेब्रिस। तो फिर मैं घर आ जाता हूँ और उनको स्मेल्टिंग में डाल देता हूँ और स्मेल्टिंग होते होते हमने थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद हमने सारे डेब्रिस का इनगेट बना दिया। इसके बाद मैं नेदरनेट में अपग्रेड होने लगा एंड हमको अचीवमेंट मिल गया फुल्ली नेदरराइट आर्मर का। एंड उसके बाद एक और स्क्रैप बनाता हूँ क्योंकि हमको शवल भी चाहिए था। एंड इसी के साथ हम लोग फुल्ली अपग्रेडेड हो चुके हैं नेदरराइट के आर्मर में। उसके बाद मैं एक सिल्क टच का शवल बनाता हूँ एंड बहुत ही सारे ग्लास ब्लॉक क्लिक करता हूँ एंड उससे हम लोग प्लेटफॉर्म में लगा देते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमने दो और प्लेटफॉर्म बना दिए थे एंड हमने इस ग्रास प्लेटफॉर्म में बनाया था एक ब्रिज ट्रेडिंग हॉल, पर अफसोस उसका रिप्ले रिकॉर्डिंग करप्ट हो गया। पर दिक्कत की बात नहीं थी, ये ट्रेडिंग हॉल बहुत ही ज्यादा भद्दा दिख रहा था। एंड इसी के साथ अब हमको बनाना था एक आयरन फार्म जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ हमारा फाइनली आयरन फार्म बनके कंप्लीट हो जाता है। बस अभी इसमें विलेजर डालने हैं, पर शायद से ये वाला विलेजर खुद को बहुत बड़ा डॉन समझ रहा था। तो फिर मैं सबसे पहला विलेजर ऊपर छोड़ता हूँ, पर पता नहीं कैसे ये खुद ब खुद नीचे आ गया। एंड इसके बाद मैं इसे फिर से ऊपर भेजता हूँ एंड फाइनली ऊपर चला गया। एंड उसके बाद मैं एक और विलेजर भेजता हूँ और अगली बार तो ये दोनों ही नीचे आ गए। उसके बाद मैं इसके अंदर ज़ॉम्बीज़ भरता हूँ एंड फाइनली हमारा आयरन फार्म पूरा बन चुका था जो कि अच्छे से काम भी कर रहा था। एंड ये आयरन फार्म एक घंटे में 1500 आयरन देता है। एंड अभी हमारा डे 120 चल रहा था तो फिर मैं थोड़ी बहुत शुगर केन उठाता हूँ एंड मैं दिखता हूँ हमारा ट्रेडर भाई तो अभी तक जिंदा है। तो फिर मैं थोड़ी बहुत और गाय मारता हूँ ठीक है इधर सी ये। उसके बाद मैं लैक्टन क्राफ्ट कर लेता हूँ और जितने भी खतरनाक बुक्स थे मैंने उनको क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग एक्सपी फार्म से थोड़े बहुत एक्सपी कलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं मेरे आर्मर को पूरा मैक्स आउट करता हूँ एंड मेरा आर्मर पूरा मैक्स आउट हो जाता है। उसके बाद मैंने एक बेचारा आयरन गोलम को फीड दिया अपने आर्मर को टेस्ट करने के चक्कर में। उसके बाद मैं थोड़े बहुत और एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। अभी हमको चाहिए था एक बीकन तो फिर मैं उसको बनाने वाला था आयरन से। बेस में आके हमने हमारे आयरन को स्मेल्टिंग के लिए डाला एंड अभी हमारे पास 18 ब्लॉक्स ऑफ डायमंड थे और कुछ 59 ब्लॉक्स ऑफ आयरन। तो फिर मैं एक बीकन बना लेता हूँ, पर एक मिनट हमारे पास तो बीकन ही नहीं है। तो फिर हमने 3 नहीं पूरी के पूरे 4 हेड लेके आ गए एंड पाताल में आ गया जिस जगह पर मैंने वैदिक को स्पॉन कर दिया था, जिसको मारना बहुत ही ज्यादा इजी था क्योंकि भाई साहब मैं पूरा मैक्स आउट हो रखा हूँ। तो फिर मैं अपने स्वर्ड से ही वेदर को पीट देता हूँ एंड फाइनली एक बीकन बना लेता हूँ।
उसके बाद मैंने एक प्यारा सा घर भी बनाया जिसका रिप्ले रिकॉर्डिंग करप्ट हो गया। तो फिर अभी टाइम था एंडर ड्रैगन को मारने का, बट हमारे पास ट्रेडर पल्ली नहीं है। तो फिर मैं आ जाता हूँ वर्फ्ट फॉरेस्ट में और पोर्टल के खोज में निकल जाता हूँ जो कि मेरे को पास में मिल जाता है। तो फिर मैं टाइम न वेस्ट करके जल्दी से पोर्टल एक्टिवेट कर देता हूँ और एंड में आते ही हमने क्रिस्टल फोड़े। इसके बाद हमको ड्रैगन को मारने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेट्स गो, हमने तो ड्रैगन को मार दिया है। एक्टिंग भी अच्छा कर लेता हूँ मैं। तो फिर मैं चला जाता हूँ इलेक्ट्रा की खोज में। एडन सिटी मेरे को पास में मिल जाता है एंड मैं टाइम ना वेस्ट करके सीधा इलेक्ट्रा कलेक्ट करने चला जाता हूँ। एंड हमको चेस्ट में से मांग पानी भी मिला था और पता नहीं क्यों मैंने ड्रैगन हेड कलेक्ट नहीं किया, शायद से मैं भूल गया था। और उड़ते उड़ते मैं अपने बेस में आ गया और इसी के साथ हमारा 150 डेज कंप्लीट हो चुका था इस वाले वर्ल्ड के अंदर। तो फिर अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया है तो फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तब तक के लिए बाय बाय।